हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारद्वाज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज मैं एक न्यू स्टेबलाइजर असेंबल करने वाला हूँ जिसकी कैपेसिटी है 3 KVA और इसकी इनपुट रेंज है 60 वोल्ट से 60 वोल्ट टू 280 वोल्ट। दोस्तों, इसमें क्या क्या पार्ट यूज होते हैं और इसके कनेक्शन कैसे करेंगे और कैसे काम करेगा ये प्रॉपर हम आपको बताएंगे। तो कृपया करके हमारी यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर है और इसका साइज है, देख सकते हैं दोस्तों, इसका साइज है 7 नंबर, 3 इंच में बना हुआ है ये और ये हमारा एल्यूमिनियम में है ये। और देखिए दोस्तों, ये हमारी सबसे पहले टेपिंग न्यूट्रल वाली, उसके बाद ये देखिए 1 2, उसके बाद 3 4 और 5। दोस्तों इसमें 5 टेपिंग है रिले की, रिले पे कनेक्शन करने के लिए और ये हमारी सबसे पहले कॉमन हो गई दोस्तों। और दोस्तों देखिए, इसमें से 2 LT सप्लाई निकली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम इसको हाई कट बनाने वाले हैं, इसीलिए हम इसमें टोटल 5 रिले हमारी यूज हो रही है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये 60 वोल्ट से है तो 4 रिले इसकी ऑपरेटिंग रिले हो गई और चौथी रिले हम ये देखिए दोस्तों, 30 एम्पीयर रिले है ये, हम चौथी इसको हाई करने के लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम सर्किट यूज करने वाले हैं माइक्रो, देखिए दोस्तों हम इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट यूज करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों इस सर्किट के बारे में आपका जानकारी दे दूँ, इसमें जो सबसे पहले 22 वोल्ट जो हमारी LT सप्लाई आएगी, बाकी ये जो कॉमन है, ये जो हमारी जो 5 रिले का कॉमन यहाँ पे कनेक्ट होगा, उसके बाद इनपुट वोल्ट रिले, इनपुट 2, इनपुट 3, उसके बाद आउटपुट रिले और ये हाई कट रिले दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सर्किट आप डबल फेस के भी स्टेबलाइजर में यूज़ कर सकते हो और सिंगल फेस अगर 60 वोल्ट से बना हुआ है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम 24 वोल्ट 25 एम्पीयर की रिले यूज कर रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम इसके सबसे पहले से हम इसके ट्रांसफार्मर कनेक्शन करेंगे, उसके बाद रिले कॉइल के, फिर बाकी इनपुट अप डाउन स्विच मीटर इन सब के कनेक्शन प्रॉपर आपको करके दिखाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और आप इस पर काफ़ी कुछ सीख सकते हो दोस्तों। आपको इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर और भी रिपेयरिंग की अलग अलग वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी दोस्तों, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने अपने स्टेबलाइजर की कनेक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और इसमें हमारे ट्रांसफार्मर से 5 लूप निकले थे, कॉमन को मिला के 6 लूप थे, कॉमन 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 में कनेक्ट कर दिया है। उसके अलावा 5 लूप का रिले पे किस प्रकार कनेक्शन किया गया है वो आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे टाइम से 5 लूप निकले हैं, 1st 2nd 3rd 4th एंड 5th। तो ये हमारी इनपुट रिले हो गई, ये इनपुट 2 रिले, इनपुट 3 रिले और ये आउटपुट रिले दोस्तों, और ये 5वीं रिले है ये हाई कट के लिए। दोस्तों अगर हम 90 वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं तो उसमें हमारी 3 रिले ऑपरेटिंग रिले होती है और 4थी रिले हमारी हाई कट के लिए यूज होती है। अगर हम 60 वोल्ट से बना रहे होते हैं तो दोस्तों उसमें 1 रिले एक्स्ट्रा लगती है, उसमें हमारी 4 रिले ऑपरेटिंग रिले हो जाती है और 5वीं रिले ऑप्शन के लिए होती है। अगर आप हाई कट बना रहे हो तो आप लगा सकते हो, नहीं तो 4 रिले से ही काम करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों उसके कनेक्शन पहला ट्रांसफार्मर का पहला लूप हमारी इनपुट रिले के एसी पे, उसी प्रकार दूसरा लूप भी दूसरी रिले के एसी पे, उसी प्रकार तीसरा लूप भी तीसरी रिले के एसी पे और ट्रांसफार्मर का जो चौथा लूप जो हमारी 4थी रिले है उसके एलो पर कनेक्ट करेंगे और इसका जो 5वां लूप है वो हम अपनी 4थी रिले के एसी पे कनेक्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन इसके हो गए, उसके अलावा हमारा ये पॉइंट खाली बच रहा है तो यहाँ से आपको जम्पर करना पड़ेगा पहली रिले का एनो और इनपुट 2 रिले का पोल सेफ्ट को शॉर्ट कर दे रहा है। उसी प्रकार दूसरी रिले के एनो से तीसरी रिले के पोल पे इसको शॉर्ट करना है दोस्तों, और उसी प्रकार तीसरी रिले के एनो को
अपनी जो चौथी रिले है उसके जैसे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा पीसीबी पे थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारा ग्रीन वायर, ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर सप्लाई निकलती है वो है, और ये हमने पांचों रिले का जो कॉमन बना रखा है उसको हमने ब्लैक से कनेक्ट कर रखा है। ब्लू दोस्तों देख सकते हैं, ये ब्लू दोस्तों ये हमारे इनपुट थ्री रिले से हमने कनेक्ट कर रखा है, और ये ग्रीन वाला इनपुट टू रिले, और ये रेड वाला इनपुट वन रिले से, और येलो वाला दोस्तों हम अपनी आउटपुट यानी चौथी रिले है उससे कनेक्ट कर रखा है, और ये रेड वाला लास्ट वायर ये हमने अपने ये देखिए छोटी रिले है ये देखिए यहाँ से कनेक्ट कर रखा है दोस्तों। और दोस्तों एलईडी का कनेक्शन तो आपको नॉर्मली पता ही है, ये इसमें तीन पिन का जेक होता है, दो इसमें दो रिले एलईडी लगाने के लिए, दो रिले का प्लस माइनस माइनस एक में शॉर्ट कर दिया और दो को पॉजिटिव बचा तो दोनों को साइड साइड वायर से कनेक्ट कर दिया दोस्तों। और इस प्रकार मीटर के भी कनेक्शन होते हैं दोस्तों, वो तो आपको पता ही है नॉर्मली कुछ। तो दोस्तों स्टेप लाडर चाहे 1 KV का हो चाहे 10 KV का हो, कनेक्शन लगभग सबके सेम ही होता है दोस्तों, बस डिफरेंट यह होता है कि आप कौन सी पीसीबी यूज कर रहे हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी की जो सेपरेट वाली अगर आप पीसीबी यूज करते हैं जिसमें जितने रिले होती होती है पीसेट वाली, तो उसका कनेक्शन कुछ और होता है, बाकी अगर आप माइक्रोकंट्रोलर आपके यूज कर रहे हो तो लगभग कनेक्शन सबका सेम ही होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये हमने अपनी HC3 है, ये देखिए एक हमने लीड अपनी वेरिएक सॉकेट से कनेक्ट कर रखी है, और दूसरी लीड अपने आउटपुट के लिए आउटपुट सॉकेट पे कनेक्ट करके दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको उसको ऑन करा के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए हमने अपने वेरियर को ऑन कर लिया है, और देखिए हमने अपने वेरियर को 60 वोल्ट पे कर लिया है दोस्तों। और देखिए एक बार मैं आपको फिर ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए हमारा टाइमर में चल रहा है दोस्तों। देखिए अभी हमारा टाइमर में है, हमारी कोई आउटपुट नहीं आई दोस्तों। ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है, और आप देखते रहिए। अब मैं अपने वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों इसमें अभी थोड़ी सेटिंग होने को है, मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए दोस्तों प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार इसकी सेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अब अपने अब स्टेबलाइजर को ऑन करते हैं, ये देखिए ये अपने इसको ऑन कर दिया है देखिए दोस्तों, और ये अभी टाइमर में है। जैसे इसका टाइमर पूरा हो जाएगा स्मूथली इसकी आउटपुट आ जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसकी आउटपुट आ चुकी है, और अब देखिए मैं इसके वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये 250 और 230 वोल्ट के बीच में सारे स्टेप खा रहे। देखिए दोस्तों इसमें हमारा हाई कट इंडिकेट हो चुका है, और देखिए आउटपुट हमारी ऑफ हो चुकी है, और वोल्टेज देखिए दोस्तों इस टाइम 290 वोल्टेज के करीब है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वोल्टेज बढ़ा के, ये देखिए मेरे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने 300 पे बढ़ा दी, ये हाई कट इंडिकेट कर रहा है और हमारी आउटपुट ऑफ हो चुकी है दोस्तों। और दोस्तों जैसे हम इसके इन वोल्टेज कम करेंगे, ये देखिए हमारी आउटपुट आ चुकी है पुनः। एक बार फिर मैं आपको इसी प्रकार दिखाता हूँ, मैं अपनी इन वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए आई कट हो चुका है, और हमें वोल्टेज अपने कम कर लिए हैं। देखिए दोस्तों अब इसकी आउटपुट दोबारा आ जाएगी, देखिए दोस्तों दोस्तों कितना परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको स्टेबलाइजर से रिलेटेड कोई भी पार्ट चाहिए हो, कैबिनेट कोयल रिले और ये पीसीबी वगैरह, तो नीचे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा दोस्तों, दोस्तों आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।